एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव और पर्यावरण। देखिए, हम आज पर्यावरण के बारे में हम देखते हैं तो जो पर्यावरण है उसके बारे में हम सामान्य जानकारी एक बार देखते हैं। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और एक है आवरण। आवरण परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का है मतलब है घेरा। ठीक है, तो हम साधारण रूप से पर्यावरण की परिभाषा हम देखें तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर का जो घेरा है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर का ये जो घेरा है, पृथ्वी के चारों ओर जो भी कुछ विद्यमान है उसे ही हम कहेंगे पर्यावरण। इसके अंदर सभी चीज़ें सम्मिलित की गई है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण है उसमें हम देखें तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक, जलवायु के कारक है, तापमान है, वर्षा, आर्द्रता, कुछ भी घटित होता है पर्यावरण पृथ्वी के चारों ओर तो उसे ही हम पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। ये हमारी पर्यावरण के रूप में साधारण परिभाषा है। ठीक है, फिर हम पर्यावरण में हम देखें तो पर्यावरण में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। जैसे देखिए, एक है पर्यावरण है तो पर्यावरण के अंतर्गत हम देखें जलमंडल, जलमंडल, ठीक है, एक है वायुमंडल, वायुमंडल, एक है स्थल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, जैव मंडल। ठीक है, देखिए जलमंडल में हम देखते हैं तो जलमंडल में जो जलीय स्रोत हैं जैसे सागर है, समुद्र है, नदियां हैं, नहरें, इन सभी को हम जलमंडल में सम्मिलित करते हैं। और इस जलमंडल या फिर जल से संबंधित कोई भी अन्य जो भी तत्व है उन सभी को हम पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। उसके अलावा हम वायुमंडल में देखें तो वायु के विभिन्न तत्व हैं, वायुमंडल में हम विभिन्न जो गैसें हैं, ठीक है, इसके अलावा धूल के कण हैं, इन सभी को हम वायुमंडल में कहते हैं और वायुमंडल को भी हम पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। उसके अलावा स्थल मंडल, तो देखिए स्थल मंडल के ऊपर जो अपना धरातल है उस धरातल के ऊपर जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, जो भी कुछ हमें धरातल के ऊपर हमारा विद्यमान है उस सभी को हम कहते हैं स्थल मंडल। और स्थल मंडल को भी हम पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और फिर हमारा है जैव मंडल, तो देखिए जैव मंडल के बारे में हम देखते हैं तो देखिए जैव मंडल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जहाँ पर मिल रहे हैं उसी को हम कहेंगे जैव मंडल, जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल के बारे में हमने देखा जहाँ पर जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल जहाँ पर आपस में तीनों आपस में मिलते हैं उसी स्थान को हम कहेंगे जैव मंडल। और जैव मंडल को भी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर जो भी विद्यमान है उसके अलावा पृथ्वी के चारों ओर जो कुछ भी हमें विद्यमान है उस सभी को हम पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। चाहे वह स्थल मंडल हो, स्थल मंडल के सभी तत्व हैं, सभी भौतिक कारक हैं, जैव वायुमंडल है, वायु में विभिन्न तत्व जो भी शामिल है उन सभी को, इसके अलावा जलमंडल के सभी जीव हैं, जलीय स्रोत है, इन सभी को भी पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसके आगे हम देखेंगे जल पर्यावरण के बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, विशेष परिभाषाएं, उन परिभाषाओं के बारे में हम देखेंगे। देखिए सर्वप्रथम हम एक भूगोलवेत्ता है एजी टॉन्सले, हम एजी टॉन्सले की जो परिभाषा है पर्यावरण के संबंध में उसके बारे में हम देखते हैं। तो टॉन्सले ने बताया है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। पर्यावरण कहलाता है
जिसमें जीव जंतु रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है टेंस ले की। तो एज टेंस ले के अनुसार प्रभाकर दशाओं का वह संपूर्ण योग जो पर्यावरण कहलाता है, जिसमें सभी जीव जंतु शामिल हैं। उसके बाद हम एक परिभाषा और देखते हैं डडले स्टैम्प के अनुसार, पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है, पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है, पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित या निर्धारित करता है, जो किसी जीव के विकास, जो किसी जीव के विकास एवं प्रभाव को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। ये परिभाषा थी स्टैम्प के अनुसार, ठीक है। स्टैम्प ने बताया कि पर्यावरण प्रभावों का एक ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास और प्रभाव को नियंत्रित या फिर निर्धारित करता है, ठीक है। तो हमने पर्यावरण के संबंध में दो प्रकार के जो दो हमारे प्रमुख विद्वान हैं उनके बारे की उनकी परिभाषा के बारे में हमने देख लिया है। आगे हम देखें पर्यावरण के घटकों के बारे में। पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक, तो देखिए पर्यावरण के प्रमुख जो घटक हैं वो तीन प्रकार के घटक मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक है जलवायवीय घटक, जलवायवीय घटक है। दूसरा है मृदा घटक, मृदा घटक। तीसरा है जैविक घटक, जैविक घटक, ठीक है। तो हम जलवायु घटक के अंतर्गत जलवायु के जो सभी तत्व हैं उनको हम शामिल करते हैं, जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ठीक है। जलवायु घटक के अंतर्गत हम जलवायु के जो सभी तत्व हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें प्रमुख है तापमान, वर्षा और आर्द्रता। फिर मृदा घटक के अंतर्गत हम मृदा के बारे में पढ़ते हैं, इसमें मृदा की नमी, मृदा घटक के अंतर्गत हम देखते हैं तो मृदा की नमी, मृदा तापमान और मृदा जैव तत्व, मृदा तापमान और मृदा के तत्व, मृदा के जैव तत्व है उनको मृदा घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। यह हो गया मृदा घटक। मृदा घटक के अंतर्गत मृदा की जो नमी है, मृदा का तापमान और मृदा के जैव तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर मृदा का जो फिर पर्यावरण का जो जैविक घटक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधों को सम्मिलित किया गया है, जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये है मुख्य रूप से पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटकों को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है जलवायु घटक, दूसरा है मृदा घटक और तीसरा है जैव घटक। तो जलवायु घटक के अंतर्गत जलवायु के जो तत्व हैं तापमान, वर्षा और आर्द्रता को शामिल किया गया है, और मृदा घटक के अंतर्गत मृदा की जो नमी है, मृदा का तापमान और मृदा के जो प्रमुख तत्व हैं उनको सम्मिलित किया गया है, और जैव घटक के अंतर्गत सभी जीव जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद हम जो प्रमुख भूगोलवेत्ता है, तो भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जो पर्यावरण के घटक है उनके बारे में हम देखते हैं। ये हमने पहले पढ़े हैं साधारण रूप से जो घटक है उनके बारे में। अब हम देखेंगे कि भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जो पर्यावरण के घटक हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो प्रमुख भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पर्यावरण के मुख्य रूप से सात घटक हैं, जिसमें पहला है अवस्थिति, उच्चावत, अवस्थिति। दूसरा है उच्चावत,
तीसरा है जलवायु, अवस्थिति उच्चावच जलवायु। उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति, जैव कारक, मृदा कारक। प्राकृतिक वनस्पति, जैव कारक, मृदा कारक। मृदा कारक और अगला है जल राशियां, जल राशियां। ठीक है, तो पर्यावरण के भूलभेताओं के अनुसार पर्यावरण के मुख्य रूप से 7 घटक हैं, जिसमें पहला है अवस्थिति, दूसरा उच्चावच, तीसरा है जलवायु, चौथा है प्राकृतिक वनस्पति, पांचवा है जैव कारक, छठा है मृदा कारक और सातवा है जल राशियां। उसके बाद हम जो अवस्थिति है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ज्यामितीय अवस्थिति, सामुद्रिक या स्थलीय अवस्थिति। ज्यामितीय अवस्थिति, दूसरा है सामुद्रिक या स्थलीय अवस्थिति, ज्यामितीय या स्थलीय अवस्थिति, और तीसरा है निकटवर्ती देशों के साथ संबंध। निकटवर्ती देशों के साथ, देशों के संदर्भ में अवस्थिति, निकटवर्ती देशों के संदर्भ में अवस्थिति। ये 3 जो प्रकार है वो है अपनी अवस्थिति के। अवस्थिति के 3 प्रकार हैं, ज्यामितीय अवस्थिति, दूसरा है सामुद्रिक या स्थलीय अवस्थिति और तीसरा है निकटवर्ती देशों के संबंध में अवस्थिति। फिर हम विकास को भी, जैविक जो कारक है उनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है मानव और दूसरा है अन्य जीव जंतु। मानव और दूसरा जो कारक है वो है अन्य जीव जंतु, जीव जंतु। ठीक है, तो ये है हमारे भूगोलवेत्ताओं के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व। ठीक है, उसके बाद हम आज सबसे पहले हमारा जो पहला जो कारक है अवस्थिति, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अवस्थिति को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पहले ही ज्यामितीय अवस्थिति। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्यामितीय अवस्थिति के बारे में हम देखते हैं। तो ज्यामितीय अवस्थिति का मतलब है कि किसी भी देश का अक्षांश या फिर देशांतरीय विस्तार, जैसे भारत का जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसके बाद हम दक्षिणी अक्षांश की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये भारत की अवस्थिति है। तो अवस्थिति का मतलब है, ज्यामितीय अवस्थिति का मतलब है कि किसी भी देश की अक्षांशीय स्थिति या फिर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो किसी भी देश का अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है उसके अकॉर्डिंग उस देश की ज़्यादा महत्वता हो जाती है। ठीक है, जो हम इसके बारे में हम देखें तो दक्षिण उत्तर में जो उत्तरी अक्षांश में या फिर 90 डिग्री अक्षांशों के पास जो देश स्थित है उनकी आर्थिक महत्वता फिर कम है, और जो मध्य में या फिर उष्णकटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंधों के आसपास जिस देश की अवस्थिति है उसका महत्व अधिक है। ठीक है, इसके महत्व के बारे में विद्वानों ने बताया है कि उत्तरी क्षेत्रों के मनुष्य शारीरिक शक्ति संपन्न एवं दक्षिणी क्षेत्रों के तकनीकी ज्ञान में एवं उच्च व्यवसायी है, जबकि मध्यवर्ती क्षेत्रों के मनुष्य राजनीति के नियंत्रण में श्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है, तो अवस्थिति के आधार पर भी अलग अलग देशों का अलग अलग महत्व होता है। उसके बाद हम देखें अगला जो कारक है सामुद्रिक स्थिति। अगला कारक है सामुद्रिक स्थिति या फिर स्थलीय स्थिति।
तो सामुद्रिक स्थिति का मतलब है कि किसी भी देश की जो स्थिति है वो समुद्र के समीप है, और समुद्र के समीप होने के कारण ही उसके आर्थिक उसके उस देश की व्यवस्था पर आर्थिक व्यवस्था पर समुद्र का प्रभाव अधिक पड़ता है। और स्थलीय स्थिति का मतलब है कि एक ऐसा देश जो समुद्र से काफ़ी दूर है, इसका समुद्र से कोई मतलब नहीं है, तो उस देश की जो व्यवस्था है उसके ऊपर समुद्र की स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम सामुद्रिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं तो इसके चार भाग में हम विभाजित करते हैं। पहली है द्वीपीय स्थिति। द्वीपीय स्थिति, तो द्वीपीय स्थिति का मतलब है कि एक ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं द्वीपीय। दूसरी है, दूसरा जो सामुद्रिक अवस्थिति में जो दूसरा जो प्रकार है वह है तटीय स्थिति। तटीय स्थिति, तो तटीय स्थिति का मतलब है कि किसी भी देश की एक तट या फिर एक सीमा समुद्र से लगती है, उसे कहते हैं तटीय स्थिति। तीसरी है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय स्थिति, तो प्रायद्वीपीय स्थिति का मतलब है कि किसी भी देश की कोई भी क्षेत्र है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, जैसे हमारा भारत है तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, वो होते हैं प्रायद्वीपीय स्थिति। तो भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, आप भारत का दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, नीचे आपका हिंद महासागर है, इधर आपका लक्षद्वीप है, इधर है बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार से इसीलिए भारत को भारतीय प्रायद्वीपीय हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत का जो दक्षिण भारत है या फिर भारत है वो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए तीन ओर से जल से घिरे होने के कारण ही हम भारत को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगली जो स्थिति बनती है, महाद्वीपीय स्थिति। तो देखिए महाद्वीपीय स्थिति का मतलब है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र किसी भी देश का कोई भी सिरा कोई भी तट है जो समुद्र से नहीं लगता है, मतलब वह समुद्र से काफ़ी दूर है, कोई भी उसकी सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं हो रही है, इसलिए पूरा वह एक पूरा का पूरा एक मुख्य रूप से स्थल खंड है, तो वह एक महाद्वीपीय स्थिति हो गई उसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से समुद्र की स्थिति में हमने चार प्रकार पढ़े हैं। और उसके बाद हम देखें स्थलीय अवस्थिति। तो स्थलीय अवस्थिति स्थिति में हम देखते हैं कि एक ऐसा स्थलखंड है जो समुद्र से काफ़ी दूर है, उसका समुद्र से कोई मतलब नहीं है, वह समुद्र से उसकी कोई भी सीमा स्पर्श नहीं हो रही है, तो समुद्र की जो स्थिति है उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जो घटक हैं हमारे पर्यावरण के घटक हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है, और हम इसका जो बचा हुआ जो भाग है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।